गुड आफ्टरनून क्लास, जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोग क्लास शुरू कर सके अपनी हिस्ट्री की, जहां से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, ताकि हम वहीं से कंटिन्यू कर सके। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून संजोली, गुड आफ्टरनून अंकिता, रोहित जिंदल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मनीषा, गुड आफ्टरनून दीपेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी तक 11 बच्चे हैं, जल्दी से सारे आ जाओ ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था और कहां तक पढ़ा था। हम लोग सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं, तो आज भी क्विक रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, अब जल्दी से क्लास शुरू कर देते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हमने लास्ट लेक्चर में कहां तक पढ़ा था और क्या पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन और चालकोलिथिक एज के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकग्राउंड और चालकोलिथिक एज के बारे में आज पढ़ेंगे। लेट मी चेक योर कमेंट्स सर, हिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे या ये मेहरगढ़ साइट ऑफ नियोलिथिक हो गई। मेहरगढ़ नियोलिथिक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था ना, एक बार रिवीजन फिर से कर लेंगे लेकिन, और जो नोट्स के लिए बात कर रहे हैं उन्हें पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि नियोलिथिक का क्या मतलब होता है, नियोलिथिक का क्या मतलब होता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। नियोलिथिक का क्या मतलब होता है, जल्दी से बता दीजिए। न्यू स्टोन एज, वेरी गुड। और न्यू स्टोन एज में बाकी की तो जो पुरानी है, जैसे ओल्ड स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज, जिन्हें हम पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक कहते हैं, न्यू स्टोन एज में क्या खास बात है, ये इसमें क्या अलग है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सुखविंदर, अंकिता, संजोली, दीपेंद्र, रोहित जिंदल, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पोएट्री, चलो ठीक है, यहां पर लिखते जाते हैं हम लोग। पोएट्री, किसी ने एग्रीकल्चर का, ठीक है, और क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्लोथ्स, वुमन क्लोथ्स, वेरी गुड। ठीक है, डोमेस्टिकेशन जो आप कमेंट कर रहे हो, डोमेस्टिकेशन पहले हो चुकी थी, किस पीरियड में हुई थी वो बता दीजिए। व्हील, वेरी गुड। फायर, अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। हाँ, वेरी गुड, मेसोलिथिक में हुई थी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू, और फर्स्ट एनिमल कौन था, बोट्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब आप लोगों को पॉइंट्स पॉइंट्स सारा याद है। डॉग, वेरी गुड, डॉग 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 डॉग, वेरी गुड। ठीक है, और फर्स्ट क्रॉप्स कौन सी होंगी जो हमने पढ़ी थी, रागी, और एक तो रागी थी, दूसरी, वेरी गुड दीपेंद्र, रागी, दूसरी कौन सी थी, मेहरगढ़ में, वेरी गुड, एविडेंस मिले हैं। हॉर्सग्राम, हॉर्सग्राम को हमने अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में या हिंदी में क्या कहते हैं, कुल्थ, वेरी गुड। ठीक है, तो तुम लोगों को पता ना कौन सी दाल मिली। ठीक है, अब एक टूल्स के बारे में अगर तुमसे पूछूं, तो टूल्स में ऐसी क्या बदलाव आया था, टूल्स में क्या बदलाव आया था इस पीरियड में, वेरी गुड, कौन से टूल्स थे, पॉलिश टूल्स थे। और टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर में क्या बदलाव आया था, टेम्परेचर में क्या बदलाव आया था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
मतलब टेम्परेचर जो था वो वार्म हो रहा था, वार्म क्लाइमेट। ठीक है, और एक और चीज मुझे बता दो कि यहाँ जो ये जो नियोलिथिक के लोग थे वो रहते कहाँ पे थे? पहले तो हमने देखा था वो कि वो रह रहे हैं भाई गुफाओं में, रह रहे हैं गुफाओं में, उन्होंने पेंटिंग कर दी है। ठीक है, और दूसरी चीज मुझे एक कमेंट करके बताओ कि वो जो पेंटिंग्स है वो कहाँ पे मिली है और कौन से पीरियड की है? शेल्टर्स में, होम्स में, भीमबेटका में नहीं रहते थे ये पैलियोलिथिक और जो मेसोलिथिक थे वहां पे भीमबेटका के केव्स में और बाकी केव शेल्टर में रहते थे। अब जो लोग हैं वो कहाँ रहना शुरू कर दिया उन्होंने? उन्होंने रहना शुरू कर दिया हाउसेस में या फिर शेल्टर्स में। शेल्टर्स क्या थे? ये मैनमेड, मैनमेड मतलब इंसान के बनाए हुए, खुद के घरों में रहने लग पड़े। ठीक है, पेंटिंग कहां पे मिली थी? पेंटिंग्स और किस टाइम की थी? जल्दी से कमेंट करके बता दो। पेंटिंग्स कहां पे मिली थी? वेरी गुड, पेंटिंग्स मिली थी भीमबेटका में। कौन से टाइम की थी? अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेसोलिथिक। भीमबेटका का कौन सी स्टेट में आता है? करंट। और कौन सी सिटी के पास में है? एमपी में। और एमपी में कौन सी जगह के पास है? भोपाल। वेरी गुड। ठीक है, पहली रेस थी इंसान की वो कौन सी रेस थी? जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दीजिए। फर्स्ट रेस ऑफ ह्यूमन बींग निग्रीटो। वेरी गुड, निग्रीटो रेस। और कहां पे ह्यूमन का बर्थ हुआ था? पहला इंसान कहां मिला था? अफ्रीका। अफ्रीका में कहां पे दीपिंदर? इथियोपिया। अफ्रीका, इथियोपिया। अच्छा मैं मार्क करूंगा, आपने मुझे बताना है कहां पे इथियोपिया। ये इथियोपिया है, ये इथियोपिया है, नो, ये इथियोपिया है, नो, ठीक है, ये इथियोपिया है, ये इथियोपिया क्या? नो, ये इथियोपिया क्या? ये इथियोपिया है क्या? वेरी गुड, यस, ये इथियोपिया है। यहां से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था। अब इथियोपिया से में ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था, उसके बाद क्या करा ह्यूमन ने? सारे दुनिया में फैल गया। फर्स्ट रेस कौन थी? निग्रीटो थी। बाद में हमने देखा कि रेस चेंज होती है वो क्लाइमेट और वेदर की वजह से, कंडीशन में जो जो चेंजेस आए उसकी वजह से उनमें अलग अलग चेंजेस आ गए और अलग अलग रेसिस में ह्यूमन बट गया। ठीक है, होमो सेपियंस कौन से फेज में अपीयर हुए थे? पैलियोलिथिक की कौन से फेज में अपीयर हुए थे? अपर में, मिडल में या फिर अर्ली में? अपर में। वेरी गुड, सारों को ये क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, और इंसान ने जो पोल्ट्री शुरू करी थी, ठीक है, बनाना, वो कौन सी एज में शुरू करी थी पोल्ट्री? नियो में। ठीक है, और इंसान ने जो डॉग को डोमेस्टिकेट करा था वो कौन सी एज में करा था? और डॉग के हमें सबूत कहां पे मिले हैं? मेसोलिथिक में। वेरी गुड, और इंसान ने जो फर्स्ट एनिमल वो करे थे, डोमेस्टिकेट करे थे, उसके प्रूफ कहां पे मिलते हैं? कौन सी स्टेट में मिलते हैं? कौन सी जगह पे मिलते हैं? जल्दी से बता दो। बागोर। ठीक है, बुर्जम डॉग अलग है, बागोर डॉग नहीं है। बुर्जम जो है, बुर्जम ही जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे बाद में मिले थे, नियोलिथिक टाइम जो था जो डॉग मिला था। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिकेशन पहले शुरू हो गई थी और फर्स्ट प्रूफ मिलते हैं राजस्थान के बागोर में। कहां पे? राजस्थान के बागोर में। ठीक है, आदमगढ़ एक और जो लोकेशन है, ये साइट है किसकी? नियोलिथिक की। वो कहां पे है? वो है हमारे एमपी में। ठीक है, हम आगे शुरू करें। तो यहां तक तो हमने कर लिया कि ये जो जितनी भी चीजें थी ये कौन सी एज की थी? ये थी हमारे पास स्टोन एज की। अब स्टोन एज के बाद कौन सा एज आता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप।
स्टोन एज के बाद कौन सा एज आता है? स्टोन एज के बाद कौन सा एज आता है? वेरी गुड, कॉपर एज, या फिर से कहते हैं चालकोलिथिक एज। अब कोई बताएगा इस एज में क्या स्पेशलिटी थी, इस एज में क्या खास बात थी? कॉपर टूल्स, मतलब यूज ऑफ कॉपर, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कॉपर ठीक है, तो यूज ऑफ कॉपर था वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे इंसान ने। अच्छा मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, फर्स्ट मेटल, ऐसा फर्स्ट मेटल जो इंसान ने यूज करना शुरू करा था, फर्स्ट मेटल था कॉपर मेटल, वेरी गुड। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बता दो अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, कि इंसान को कॉपर बाद में क्यों मिला, और बाद में कॉपर का या फिर टूल्स का यूज होना, कॉपर टूल्स का या फिर जितने भी मेटल टूल्स है उनका यूज होना क्यों शुरू हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? जल्दी से फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको, देखते हैं कौन कितना पास पहुंचता है। टेम्परेचर चेंज, नो स्टोन टूल से, क्या क्या लिख रहे हो आप, पॉलिश टूल्स गलत, खोदने के लिए टूल्स नहीं थे, नहीं, और क्या क्या लिख रहे हो आप, आपने लिखा है खोदने के लिए टूल्स नहीं थे, पॉलिश नहीं, तो क्या था? देखो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कुदरत में कैसे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, वो है गोल्ड जिसका सिंबल है AU और दूसरा है प्लैटिनम PT, इनको छोड़ के जितने भी मेटल हैं गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के वो ओर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ओर्स और मिनरल्स में, किसमें? ओर्स और मिनरल्स में। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं वो सारे के सारे होते हैं पत्थर, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे हमने ये देखे ना पत्थर, ये देखो ये पत्थर है, इसमें ये अलग अलग चीजों से मिलके बना होगा, ठीक है, ये जो पत्थर है ये अलग अलग चीजों से मिलके बना होगा, ये अलग चीजों से मिलके बना होगा, ये अलग से मिलके बना होगा, ये अलग से, जैसे ये लाल रंग का है तो हो सकता है इसमें आयन और हो, देखो जैसे इसमें जंग सा भी लगा हुआ साइड में, यहाँ पे देखो जंग सा लगा हुआ ना, ठीक है, लाल रंग का, तो हो सकता है ये आयन का एक मिनरल हो, ठीक है, वो एक साइंटिफिक स्टडी करके कनेक्ट करके पता लगा सकते हैं बिना किसी, हम लोग ऐसे नहीं उसको बोल सकते कि ये आयन हो रहा है या कौन सा है या फिर क्या है, ठीक है। और जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स में से भी वो मिनरल्स जिनसे आसानी से और ज्यादा अमाउंट में क्या हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सके मेटल को, मतलब मेटल को निकाल सके, उन्हें कहते हैं ओर्स, क्या कहते हैं? ओर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को पता चल गया, तो पहले इंसान के पास फायर नहीं थी, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो ये प्रोसेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जितने भी, पर इनमें सबसे सारे प्रोसेस में एक चीज कॉमन है कि जो जितने भी देखो मेटल है ना, मेटल का जो मिनरल है ना, मिनरल्स को अगर आप हीट करोगे, मिनरल्स को क्या करोगे आप, हीट करोगे, ठीक है, मिनरल्स को हीट करोगे अगर आप, तो मिनरल्स में से जो हमने देखा है कि मेटल के हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होके वो सेपरेट हो जाएंगे और जो बाकी का जो जिसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्स होते हैं वो अलग हो जाएंगे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आराम से मेटल को अलग कर सकते हैं और जो बाकी का जो हमारे पास वेस्ट बच गया या फिर सेडिमेंट्स बच गए उसको अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ था नियोलिथिक में, क्या हुआ था, हमने फायर डिस्कवर कर ली थी, डिस्कवर नहीं करी थी, मतलब फायर पे कंट्रोल कर लिया था, आग तो पहले भी लग जाती थी जंगलों में लेकिन हम डरते थे, कंट्रोल्ड फायर नहीं लगा पाते थे, हमने यहाँ पे
कंट्रोल फाइल लगाना सीख ली कि हाँ भाई दो पत्थर रगड़ेंगे तो चिंगारी निकलेगी। देखिए ना, दो बचपन में पढ़ा हम सभी लोगों ने, दो पत्थर रगड़ेंगे लकड़ियों को एक दूसरे से रगड़ेंगे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, चिंगारी निकलेगी। ठीक है, फ्लिंट को हम लोग कोई फ्लिंट मेटल का फ्लिंट आया हमारे पास है कुछ भी, उसको रगड़ेंगे चिंगारी निकलेगी, वो फिर जो फ्लेमेबल मटेरियल है, ठीक है, घास फूस हो गया, ये कोई भी चर्बी वाला जानवर की चर्बी जो जो पकड़ जाती है आग, वो आसानी से जल जाते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, सूखी लकड़ी को जला सकते हैं। ठीक है, ये अगर जिस टाइम इंसान को पता चल गया तो उसी टाइम पे इंसान के पास फायर के साथ क्या था, पोटरी थी। पोटरी का मतलब इंसान के पास बर्तन थे। ठीक है, मेटल को ऐसे तो पत्थर को किसी को ऐसे थोड़ी जला देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, शायद किसी मेटल को किसी के दिमाग में, हमारे लोग इंसान लोगों के दिमाग में तो हमेशा पूरा बात चलती रहती है, किसी ने देखा होगा कि चलो भाई आज आके क्या करते हैं हम लोग, हम आज कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसने ये करके देखा होगा, तो हो सकता है जो कॉपर होगा वो अलग हो गया होगा और जो सेडिमेंट है, जो वेस्ट है वो अलग हो गया होगा। ठीक है, और वैसे ही कॉपर का उनके पास कॉपर आ गया। ठीक है, वैसे ही धीरे धीरे अभी तक हमारे पास सिर्फ कॉपर है, ना टिन है। ठीक है, जब टिन मिलेगा टिन और कॉपर से मिला के ब्रॉन्ज बना देंगे, ब्रॉन्ज एज जो हम लोग इंडस वैली में पढ़ेंगे वो आ जाएगी, या फिर जब देखेंगे कि नहीं ऐसा भी नहीं है तो उनको जब आयरन का पता चलता है तो आयरन मिल जाता है, आयरन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कॉपर क्या होता है, आप सभी ने कॉपर की रिंग कभी देखी होगी या कॉपर का कोई घर में बर्तन देखा होगा या कॉपर की कोई चीज देखी होगी। ठीक है, तो कॉपर की चीज क्या होती है, जब कॉपर को आप जरा सा मारो तो वो बेंड हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और कॉपर के कितने टूल्स बना लेंगे आज हम लोग, सिर्फ कॉपर अपने आसपास देखिए सबसे ज्यादा तो वायर्स में यूज होता है। ठीक है, वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि जो वो पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है, अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये ऐसे आता है ऊपर होता है, ठीक है, उसके बाद आता है, सॉरी थोड़ा यहाँ पे हम लोग गलत कर गए, ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे होता है कॉपर, तो कॉपर ये हो गया सिल्वर और ये हो गया हमारे पास गोल्ड, ये तीनों जो है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन दोनों बाकी महंगे हैं, ये सस्ता है। तो इसको हम लोग देखो, जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, साइंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लोगे ये तीनों कंडक्टर हैं, लेकिन इसमें जो कॉपर है वो सस्ता है इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जब हमने कॉपर में टिन मिला दिया तो ब्रॉन्ज बन गया। ठीक है, तो चालकोलिथिक एज में क्या था, इंसान ने ऐसे दिमाग लगा के आग का और अपनी पोल्ट्री का बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके उसने कॉपर बना लिया। पहले उसके पास आग नहीं थी ना उसके पास कोई बर्तन थे तो वो नहीं कर पाता था। ठीक है, लेकिन अभी वो ये चीज करने में सक्सेसफुल हो गया, तो उसने ये करके अपना क्या कर लिया, कॉपर को बना लिया। तो कॉपर उसको मिल गया, फिर उसने देखा कि भाई साहब ये तो काफी फ्लेक्सीबल है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स को हमें पता है मेटल्स के होते हैं डक्टाइल होते हैं, और डक्टाइल होते हैं और साथ में क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं। तो डक्टाइल्स का मतलब देखो, उस टाइम पे डक्टिलिटी का इतना यूज नहीं होता होगा, क्योंकि डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को हम लोग खींच खींच के तान तान के उसकी तारे बना सके। ठीक है, उस टाइम पे तारों का तो इतना यूज नहीं होता होगा, लेकिन मैलेबिलिटी का, मेटल की मैलेबिलिटी का यूज होता था। मैलेबिलिटी का मतलब उसको पीट पीट के कोई भी शेप दे सके, मैलेबिलिटी का मतलब पीट पीट के उसको क्या कर सके, हम लोग चदरों में बदल सके। ठीक है, तो जितने भी ये मेटल्स थे वो मैलेबल थे। ठीक है, इसके पास मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी थी। तो इसको देखो टूल्स में, अब कोई हड्डी है उसको कोई टूल में कन्वर्ट करना है, कुछ उसकी लिमिट होगी ना, हड्डी की भी टूट जाएगी, ज्यादा उसको वो फ्लेक्सिबल होती नहीं है, ज्यादा तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। पत्थर जो है, जितना मर्जी बड़े पत्थर, इतना बड़ा पत्थर होगा तो उसको कुरेद 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 के, हम लोग मान लो कोई हुक बनानी है फिशिंग के लिए तो हड्डी को कुरेद 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 के बनाने पड़ेगी, फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन अब उनके पास क्या आ गया, कॉपर, तो कॉपर को क्या करा, कॉपर की तार बना ली डक्टिलिटी का यूज करके, उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, उसको आगे से पैना कर दिया, शार्प कर दिया, बन गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टूल्स थोड़े एडवांस हो गए, लेकिन अभी तक इतने एडवांस नहीं है जैसे आजकल का हम लोग देखते हैं, स्टील देखते हैं, इतने भी एडवांस नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को चीजें समझ आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या करा, कॉपर का देखा, अब कॉपर को देखो एक मेटल है, उसको गर्म करो, पिघला लो, जिस सांचे में डालोगे उसका आकार ले लेगा वो, जिस जैसा मर्जी उसको शेप देना चाहोगे वैसा बन जाएगा। ऐसा पत्थर के साथ पॉसिबल है, ऐसा पत्थर के साथ पॉसिबल है, कोई बताएगा नहीं ना, इसीलिए इंसान के पास एक क्या हो गया, एडवांटेज आ गई। ठीक है, वो जो चीजें पहले पत्थर के साथ नहीं कर पाता था अब वो भी कर पा रहा था। ठीक है, तो इस एज में एक और हमने चालकोलिथिक में एक और एज दिखनी है। चालकोलिथिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉपर की डिस्कवरी हमने देख लिया कैसे बनी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, जो इंसान था अब वो गांव में, ठीक है, पहले क्या था वो
नोमैड, नोमैड पता है ना, नोमैड मतलब बंजारे, बंजारों की तरह यहां से वहां वहां से यहाँ, सेटल लाइफ नहीं जीता था। लेकिन जब वो फसलें उगाने लग पड़ा तब वो थोड़ी सेटल लाइफ जीने लग पड़ा। क्यों पता ना, फसलें उगने में महीनों लग जाते हैं और महीनों तक उसने फसल कहीं उगाई है तो वहां पर उसको उसकी चौकीदारी भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई जानवर आएगा खाएगा पिएगा और भाग जाएगा। जब इंसान वापस आएगा तो फसल मिट्टी, ठीक है, किसानी जो करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, कि हम लोगों को ज्यादा जानवर भी छोड़ो, पक्षी नहीं छोड़ते हैं फसल, वही खा जाएंगे। तो इसलिए इंसान को वहां पर चौकीदारी भी, तो धीरे धीरे वो वहां पर बैठने लगा और बैठ रहा है, साथ में उसको देखा हमने कि घर बना रहा है। अब इतनी मेहनत उसने कर घर बना दिया, अब बार बार कहाँ घर ढूंढता फिरे, तो वो सेटल लाइफ जीने लग पड़ा। ठीक है, पहले क्या था कि वो हंटर और गैदरर था, तो देखो एक जगह सारे उसने चीजें गैदर कर ली, सारे फ्रूट्स इकट्ठा करके खा गया, तो वहां पे वापस फ्रूट आएंगे अगले सीजन में, तब तक तो उसको फिर भूखे तो नहीं रह सकता ना, वो कहीं ना कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा। या फिर क्या करेगा, एक जगह के सारे जानवर मार के खा गया तो फिर वो भूखा मर जाएगा। लेकिन अब हंटिंग गैदरिंग और फिशिंग भी थी और इसके साथ साथ वो फार्मिंग भी कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, थोड़ी घर के स्टिल, अब एक जगह स्टिल हो गया, ठीक है, थोड़ा घर वो एक जगह रुक के ठहर गया और वहां पे ही अपना गुजारा अलग पड़ा करने, आज के इंसान की तरह हो गया, कपड़े अलग पड़ा पहनने, पहले उसको जगह जगह जाके जानवर मारने पड़ते थे ताकि वो अपने कपड़ों का सर्दियों को जुगाड़ कर सके। ठीक है, सर्दियां ज्यादा आ गई तो गर्म इलाकों में भागना पड़ता था, गर्मी ज्यादा आ गई तो सर्द इलाकों में भागना पड़ता था। अब उसने घर बना लिए, ठीक है, जो सर्दी गर्मी से बचाते थे, बारिश से बचाते थे, धूप से बचाते थे, ठीक है, अब फायर भी उसके पास, फायर उसको सर्दी से बचा देगी, ठीक है, जंगली जानवर से बचा देगी। तो अब इंसान ने थोड़ी सेटल्ड लाइफ, ठीक है, क्या सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी। सेटल लाइफ शुरू करेगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेटल लाइफ जो होती है वो होती है गांव, रूरल, ठीक है, गांव में रहना इंसान ने शुरू कर दिया। किस में रहना शुरू कर दिया इंसान ने, गांव में, ठीक है, छोटे छोटे। अब देखो लोगों के एक घर होता है, अकेला घर हो गया, 10-12 लोग जो फैमिली जुड़ के 10-12 घर बना लेती है तो छोटा गांव बन गया, ठीक है। वैसे वैसे वो 10-12 करके उन्होंने देखो, जैसे यहाँ एक घर यहाँ पे बना लिया, एक घर यहाँ पे बना लिया, मैं तुम लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है, समझ आ रही है ना, कमेंट करके बता दो समझ आ रही है ना। तो मान लो एक घर यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे घर बना दिए, लोग रहने लग पड़े, ठीक है, यहाँ पे उनके जानवर जानवर रहने लग पड़े, एक या फिर एक ही एरिया में जानवर रहने लग पड़े, इस तरह वो खेती लग पड़े करने। ये कोई इन्होंने फील्ड्स बना ली, ये मेरी, ये तेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये फील्ड्स बना ली, तो बन गया ना गांव, लग रहा ना गांव की तरह, गांव के मैप की तरह, ठीक है, नदी के किनारे जहां पे पानी आसानी से मिल जाए ऐसी जगह पर उन्होंने गांव बसा दिए। तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तानिया, अंकिता, रोहित, ठीक है, तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि वो गांव में बसने लग पड़ा और ये था हमारा चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में उसे डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, देखो जैसे मैं ये बताता हूँ तुम लोगों को, हम लोग इंडिया के कंट्रास्ट से पढ़ते हैं तो इंडिया के यहाँ से हमें आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। सर यू और एयरफोर्स अभी तक तो नहीं भाई, लेकिन आगे का पता नहीं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर की बात कर लेते हैं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे ये सब सारी चीजें, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से पढ़ेंगे इस मैप को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंसान क्या था, हमने देखा कि गांव में रहना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। अब गांव से, गांव के बाद क्या आता है, गांव से का अगला स्टेप क्या होता है, शहर, ठीक है। तो जब इंसानों ने एक सिविलाइज्ड वे में शहरों में, ठीक है, टाउन्स में या शहरों में, टाउन भी छोड़ो, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रहना शुरू कर दिया, शहरों में फैसिलिटीज अच्छी होती है, शहरों में क्या होता है, जितने भी फील्ड्स वगैरह खेत वगैरह तो होते नहीं है, वहां पे ज्यादातर ट्रेडिंग होती है, बिजनेस होता है, ठीक है,
ये सब एक्टिविटी शुरू कर दी, उस टाइम में क्या कहते हैं हम लोग सिविलाइजेशन का बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये चार पुलिसी का नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें कहते हैं हम लोग इंसान एज अ सिविलाइज, ठीक है, एज अ सिविलाइज हो गया और वो सिविलाइजेशन में रहना उसने शुरू कर दिया। तो देखो हम लोगों को पता नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की कोई जगह भी है, ठीक है। हम लोग सोचते थे कि जितनी भी पुरानी हम लोगों की शुरुआत हुई है वैदिक सिविलाइजेशन से, ठीक है, जो वेदास में जिक्र मिलता है ना हम लोगों को, वहां से हम लोगों को पता भी नहीं था कि इंडस वैली नाम की जगह, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज भी थी, ठीक है। हम लोग सोचते थे पुरानी जितनी भी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है उनमें आती थी इजिप्ट की, इजिप्ट की देखी ना हमने ममीज और वो पिरामिड देखे होंगे इजिप्ट के, ठीक है वो। फिर उसके बाद आती है देखो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो थी वो इराक और ईरान वाले एरिया में थी, ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया के बाद हम लोग कहते थे चाइनीज सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी थी। ऐसे ही इनकी तरह एक और सिविलाइजेशन है जिसको कहते थे मायन सिविलाइजेशन, ठीक है, जो कहां पे है देखो मैं तुम लोगों को इनकी लोकेशन भी बता देता हूँ कहां पे क्या कौन कौन कहां है ताकि तुम लोगों को याद रहे, ठीक है। देखो इस एरिया में आ गई हमारी मेसोपोटामिया, ठीक है। अब इस एरिया में कहती इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन हमने हम सोचते थे कि ये थी ही नहीं क्योंकि इसके एविडेंस बहुत बाद में, अटलांटियंस का तुम्हें चलो पता है बहुत अच्छी बात, लेकिन अटलांटियंस का जो है वो बाद में बात करेंगे, वो बड़े लेटर में आते हैं, ठीक है। अटलांटियंस किस में आती थी ये भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो इसके बाद चाइना की सिविलाइजेशन होगी, ठीक है, थोड़ा इस तरफ जाए तो कहते थे कि हमारे पास देखो मेसोपोटामिया इजिप्ट, इजिप्ट कहां है यहाँ पे, इजिप्ट की सिविलाइजेशन होगी, ठीक है, यहाँ यहाँ पे कहते थे पुरानी सिविलाइजेशन है। और एक और की हमने बात करी जो कहते हैं मायन सिविलाइजेशन, वो ठीक है वो यहाँ पे थी। तो मायन सिविलाइजेशन में क्या था, वो थी साउथ अमेरिका में, ठीक है। मायन मायन जैसे हम लोगों ने देखा 2000 मूवी देखी है 2012, किस किसने देखी है मायन कैलेंडर, वेरी गुड अंकिता, ठीक है। मायन कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी दुनिया जो थी वो 2012 के दिसंबर में खत्म हो जानी थी, ठीक है, लेकिन ये ऐसा किसी ने नहीं कहा, ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसीज थी, लोगों ने खुद में खुद बनाई थी, उन बेचारों ने इतने यहां तक का कैलेंडर लिख लिया था, ठीक है। ये थी पुरानी सिविलाइजेशन, लेकिन लोगों को इस वाली के बारे में पता नहीं था, इंडस वैली वाले के बारे में पता नहीं, उनको लगता था कि ये बाद में यहाँ पे लोग तो बाद में आए हैं, जो ये आर्यन वगैरह आए हैं किस एज में, वैदिक एज में, ठीक है, लेकिन जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ये वैदिक एज से भी पहले। लेकिन जब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन लोगों ने जब रिसर्च करी अलग अलग, उन्हें पता चला कि ना यहाँ पे तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसकी क्या करते हैं बैकग्राउंड सब लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जब अंग्रेजों का राज था यहाँ पे तो अंग्रेज ऑफिशियल्स होते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी था, मैंने बताया था ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है आर्कियोलॉजी के बारे में रिसर्च करता है, आर्कियोलॉजी मतलब जो बीती हुई चीजें हैं, जो हिस्ट्री की चीजें हैं उनसे रिलेटेड, जो इंसान पहले रहता था, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में स्टडी करता है। तो एक थे सर जॉन मार्शल, ठीक है, जो जॉन मार्शल थे उन्होंने देखा अंग्रेज से, ठीक है, वो जब पाकिस्तान के पास, ठीक है, एक सेकंड में तुम्हें दोबारा दिखाता हूं, पाकिस्तान में जो पंजाब है, ठीक है, पाकिस्तान का जो पंजाब है इस एरिया में जब वो अपॉइंटेड थे तो उन्होंने देखा कि एक गांव में क्या हो रहा है कि लोगों के जो घर बने हैं वो पक्की ईंटों से बने हैं, गरीब से गरीब लोगों उसका घर बना होगा पक्की ईंटों से। और जब उन्होंने देखा ध्यान से तो वो लोग क्या करते थे, जब भी कोई नया स्ट्रक्चर बनाना हो, घर बनाना हो, तो वो क्या करते, जमीन खोदते थे, जमीन से ईंटें निकलती थी और उसी से घर बना लेते हैं। अब हमारे लोग क्या है, ऑर्थोडॉक्स है, वो कहते हैं कि पता नहीं कौन सा चमत्कार है, मतलब हमारे पे कौन सी दया हो गई है, कृपा हो गई है भगवान की, यहाँ हमारे ईंटों का खजाना नीचे से निकली जा रही है, निकली जा रही है। लेकिन अंग्रेज पढ़ा लिखा था वो, ठीक है, उसने दिमाग लगाया, ठीक है, और दिमाग लगाया तो उसने सोचा यार ईंटों का बाहर नीचे खजाना तो नहीं होगा, पक्का यहाँ पे कोई पुरानी सिविलाइजेशन है, पुराने कोई लोगों का यहाँ पे कोई निवास होगा, जो रहते थे, जो सिटी थी वो क्या होगी, वो दफन हो गई है और उसकी डिस्कवरी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र आता है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहले भी जब हम लोग मेसोपोटामिया के जो क्या करते हैं मेसोपोटामिया के लोग हैं उनका हम लोग अगर देखें, उनके जो जितने भी हम उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके टेक्स्ट हैं, एंशियंट टेक्स्ट, उन्हें देख उनमें देखें तो उनमें वेरी गुड दयाराम सानी, ठीक है, इसमें भी आएंगे दीपेंद्र, उनमें जिक्र है कि इंडिया के इस रीजन में इंडस वैली के पास एक सिविलाइजेशन बसती थी और उन लोगों ने नाम दिया महलुआ, ठीक है। महलुआ एक बुक भी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो फिक्शनल नॉवल, ठीक है, तो महलुआ एक उन्होंने कहा कि महलुआ नाम के लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमारे को पता नहीं था कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि इतिहास में बातें तो बहुत होती है, वेरी गुड दीपेंद्र।
तो जब तक हम लोगों के पास सबूत ना होते हैं, सबूत ना हो, हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ पे क्या है, कैसे लोग रहते थे, क्या होता था, क्यों होता था, किस लिए होता था, कौन लोग थे। हम लोगों को पूरा सबूत चाहिए था। 1921 में फिर क्या हुआ, 1921 में दयाराम सानी, ठीक है, जो आपने कमेंट करा है, दयाराम सानी ने क्या करा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कर डाली। क्या कर डाला, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कर डाली। उन्होंने फर्स्ट जो सिटी ढूंढी थी वो थी हड़प्पा। क्या थी, हड़प्पा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह देते हैं इसको, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में। और अगर इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला जो हम लोगों को सिटी मिली थी या टाउन मिला था या सेटलमेंट मिली थी वो हड़प्पा मिली थी। और हड़प्पा कहाँ था, ये देखो पाकिस्तान में जो ये रावी नदी जा रही है ना, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में इस जगह पे हड़प्पा था। क्या था, हड़प्पा था। और 1921-22 के टाइम पे एक और मेजर सिटी मिली जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी में आती है, वो थी इंडस रिवर, मतलब जो सिंधु नदी है इसके किनारे, क्या नाम था उसका, मोहनजोदारो, ठीक है। ये आरडी बनर्जी ने ढूंढी थी, ठीक है, किसने, आरडी बनर्जी ने, ठीक है। हालांकि जब हम कल इसका डीप में करेंगे तो उसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और इसको अच्छे से डिटेल करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि हाँ हड़प्पा में क्या था, मोहनजोदारो में क्या था, लोथल में क्या था, धोलावीरा में क्या था, बनावली में क्या था, कालीवंगन में क्या था, सुप्तगेंदोर में क्या था, सूरकोटड़ा में क्या था, ठीक है। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ठीक है कहां से कहां तक, दाइमाबाद से लेके मांडा तक थी, मांडा कहां पे है, दाइमाबाद कहां पे है, सुप्तगेंदोर कहां है, आदमगढ़ कहां है, सारा का सारा डिटेल में पढ़ेंगे कल, ठीक है। ये जो मैंने बताई वो साइट्स हैं, जो सिटीज मिली है ना हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, वो साइट्स है, ठीक है। तो इनके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन तो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर हम लोगों को जब ये सिटीज में मिली 1921 में, 1922 में सबसे पहले दयाराम सैनी ने, फिर आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो ढूंढ दिया। उसके बाद जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज करी यहाँ पे, देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो यहाँ पे सिविलाइजेशन बस रही थी वो आज की सिविलाइजेशन से भी कहीं ज्यादा, जो आज लोग रहते हैं ना गाँव में और ये झोंपड़ियों में और ये जो भी आजकल रहते हैं बस ऐसे काम चलाओ घर वगैरह बना लिए, ठीक है, उनसे भी कहीं ज्यादा सिविलाइज थी। टाउन प्लानिंग उम्दा, ठीक है, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही उम्दा, ठीक है, उनका नॉलेज, उनका विजन बहुत ही उम्दा, ठीक है, उनका जो ट्रेडिंग का सिस्टम है वो बहुत ही उम्दा, उनका बार्टर सिस्टम, उसकी तो बात ही मतलब उसकी क्या ही बात है, सब एक से बढ़ के एक उनमें जिन्होंने देखा कि नई नई चीजें हैं जो आज की सिविलाइजेशन को हम लोग भी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। और जो मेसोपोटामिया की बात करते हैं, इजिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, जिन्होंने चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करी उनसे भी कहीं एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो दुनिया के क्या हो गया, कान खड़े हो गए, और क्या हो गया, ट्रेड विद मेसोपोटामिया दीपेंद्र, आराम से हम कल जब करेंगे तो वो सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो उनके क्या हो गए, उनका उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्या इंडिया में भी ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो उन्होंने जब उनको स्टडी करा तो वो एक के बाद बहुत सारी, एक के बाद एक साइट मिली, एक के बाद एक, इंडस वैली, ज्यादातर इंडस वैली और इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी, ये जो सिंधु नदी देखो यहां से बहती है, ये रही इंडस, मानसरोवर लेक है उससे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, जो मानसरोवर लेक है ना हिमालयाज में वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये देखो पूरा पूरा पाकिस्तान से होके, इंडिया के कुछ पार्ट से होके ये जाती है अरेबिक सी में मिल जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सबसे पहली झेलम, फिर उसको चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जितनी भी रिवर्स है, और इंक्लूडिंग एक और रिवर थी जो अब एक्सटेंट हो चुकी है सरस्वती, इन रिवर्स के किनारे जो जो सेटलमेंट थी उस सेटलमेंट को उन्होंने नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु नदी के किनारे रहने वाली सभ्यता जो लोग रहते थे, और वो बहुत ही एडवांस थी। उसको देख के दुनिया के कदम हिल गए थे, कान खड़े हो गए थे, जमीनों के नीचे जमीन हिल गई थी पैर के नीचे से, ठीक है। तो हम इसी के बारे में अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसकी बेसिक जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो चुकी है, और अगर आपको समझ आ गया कि वो कौन लोग थे, क्या लोग थे, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे और कल की क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी, डेवलपमेंट, ठीक है, यस यस। हाउ वाज द लेक्चर, एक बार बता दीजिए, क्लियर क्लियर, गुड गुड, बेस्ट, थैंक यू सर। नोट्स प्रोवाइड, नोट्स जो आप लोगों को, इसकी पीपीटीज बनेंगी वो साथ साथ में आती रहेंगी, ठीक है, सर इंटरेस्टिंग लेक्चर जी, ठीक है, ओके ओके, सो हैव अ वेरी गुड डे, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है।